स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां नर्सिंग की आदिवासी छात्राओं की समस्या का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समग्र संज्ञान ले लिया है। उनकी समस्या का समाधान निकालते हुए पिछले दो साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान थी छात्राएं। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण से आदिवासी छात्राओं के GNM नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए कुल 51.20 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। आपको बता दें, नर्सिंग की आदिवासी छात्राएं छात्रवृत्ति के न मिलने से परेशान हो रही थी। पिछले दो साल से परेशान थी छात्राएं, जिसका भूपेश बघेल ने अब निराकरण कर दिया है। कुल 51.20 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। और अन्य जानकारी के साथ हमारे पास भूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश जी, क्या निराकरण किया है अभी भूपेश बघेल जी ने? रुपए की स्वीकृति के साथ साथ अभी तक क्यों इतनी देरी आ रही थी? दो साल से क्यों हो रही थी छात्राएं परेशान? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आदिवासी क्षेत्र की छात्राएं हैं और उनको शायद पैसे की और स्टाइपेंड या फिर वो कह लीजिए कि जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये सुदूर बस्तर और सरगुजा के ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, और इनको दो साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी और इसके खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सरकार को ये पता चला, सरकार ने न सिर्फ उनकी छात्रवृत्ति जारी करने की घोषणा की बल्कि पैसे भी ट्रांसफर करवा दिए कि जो उनकी राशि बकाया है उसका भुगतान कर लिया जाए। तो ये सरकार ने एक त्वरित कार्रवाई की है, छात्रों की समस्याओं के सामने आने के बाद उसको समझा। तो रुपेश, सवाल जरूर होना चाहिए कि दो साल से क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि छात्रों को प्रदर्शन? जवाब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस बारे में क्या कुछ किया जी, क्यों इसको संज्ञान में नहीं लिया जी। जी, तो अभी तक मतलब जवाब नहीं मिल पाया है कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि छात्राओं को प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा था और छात्राओं प्रदर्शन के लिए नहीं उतरी क्योंकि सरकार को पता चल गया कि वो प्रदर्शन करने वाली है, जिस वजह से उनको छात्रवृत्ति दी गई। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि दो साल से छात्राएं परेशान क्यों हो रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रुपेश जी।